गर्भावस्था में हर महिला के मानसिक और शारीरिक स्थिति में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उनकी बॉडी में भी बहुत सारे बदलावों को उनको सहन करना पड़ता है। एक तरफ जहां माँ एक आने वाले बच्चे के लिए तैयारी कर रही होती है, वही उनको गर्भावस्था के दौरान उनकी शारीरिक स्थिति के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे जूझना पड़ता है, जो थोड़ी तकलीफ देह भी होती है और थोड़ी नॉर्मल भी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था में शरीर में होने वाले दर्द, जैसे कि पीठ, कमर, पेड़ों, जांघों में, पैरों में दर्द होने से क्या पता चलता है, ये क्यों होता है और इसे हम कैसे आराम पा सकते हैं, किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। यहाँ पे मैं आपको पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल ऑप्शन ज़रूर दबा लेना और वीडियो को बहुत सारा लाइक और शेयर कर देना अपने सारे सोशल मीडिया पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था में बहुत तरह के दर्द होते हैं हमारे शरीर में, जो किसी किसी प्रेग्नेंट महिला को 3 महीने से ही स्टार्ट हो जाते हैं और किसी को 5वें महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप गर्भवती होते हो तो उस समय आपका शरीर जब बढ़ना शुरू होता है तो आपके शरीर में सिर्फ शिशु का वजन नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूड भी बढ़ता है। तो हर वजन आपके शरीर पर बढ़ने लगता है जिसका असर आपके पूरी बॉडी पर दिखता है। वजन बढ़ने के कारण भी हमारे शरीर में बहुत तरह के दर्द होते हैं। आइए हम सारे के बारे में एक एक करके जानते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। सबसे पहला दर्द है पीठ का दर्द होना। पीठ का दर्द गर्भावस्था में होना बहुत ही आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय में पल रहा होता है जिससे आगे का भाग काफ़ी भारी हो जाता है। पेट भारी होने की वजह से पीठ में झुकाव आना शुरू हो जाता है। इस वजह से पीठ में लगभग हर रोज ही दर्द रहने लगता है। नंबर 2, पाँव में दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के ऊपरी हिस्से का वजन काफ़ी बढ़ जाता है जिससे कि उसके पैरों में बहुत अधिक भार पड़ने लगता है। इस वजह से हड्डियां सह नहीं पाती है और इस वजह से हमेशा उसके पैरों में और जांघों में दर्द बना रहता है। नंबर 3, सिर का दर्द। गर्भावस्था के दौरान हर सुबह सिर में भारीपन रहता है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि इस दौरान नींद सही से नहीं आती है। ऐसे में नींद पूरी नहीं हो तो हार्मोन में बदलाव तो होते ही हैं और साथ में आप रिलैक्स भी नहीं कर पाते हैं, जिसका असर सिर पे पड़ता है और अक्सर दर्द रहता है। नंबर 4, ब्रेस्ट में दर्द। इस दौरान कई महिलाओं को हार्मोन में प्रॉब्लम होती है, परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट बड़े आकार के और कड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें अक्सर दर्द होता है। साथ ही साथ जो हमारे दूध की ग्रंथियां होती हैं वो भी खुलनी स्टार्ट होती है, उसमें मिल्क सप्लाई आना स्टार्ट होने लगता है क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको फीड करवाना होता है तो उसके लिए आपकी ब्रेस्ट रेडी हो रही होती है, जिस वजह से उसमें थोड़े बहुत दर्द होते हैं। नंबर 5, पेट का दर्द। शिशु के विकास के साथ साथ महिला को एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जी मिथलाता है और पेट में भी दर्द बना रहता है। साथ ही साथ जब शिशु बड़ा होता है तो शरीर के अंगों में खिंचाव आता है, आपके टमी में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से भी पेट में दर्द हल्का हल्का रहना शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं कि किस समय ये दर्द साधारण सी है और किस समय आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो देखिए, गर्भावस्था में ये सारे जो दर्द मैंने आपको बताया ये होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन हर औरत जानती है कि उसके दर्द की सीमा क्या है, वो कितना दर्द सहन करती है या किस तरीके का दर्द नॉर्मल होता है। हर औरत जानती है इस बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको जब भी लगे कि ये दर्द कुछ अलग टाइप का है, कुछ अलग सा है या फिर इससे आपको तकलीफ हो रही है, तब आपको इंस्टेंट जाना चाहिए डॉक्टर के पास। साथ ही साथ कभी भी आप अपनी मर्जी से इस टाइम में कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अलग तरह की मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उसका असर आपके होने वाले शिशु पे हो सकता है, साथ ही साथ आपके सेहत पे भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में अगर पेट का दर्द नॉर्मल दर्द से ज़्यादा हो या फिर दर्द के समय आपको ब्लड आने की समस्या हो या पेट में किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हो तो आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य होता है। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है।
प्रेगनेंसी में बाकी सारे दर्द को अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन पेट का दर्द कभी अवॉइड ना करें क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ अगर पीठ में आप ज़रूरत से ज़्यादा, बर्दाश्त से ज़्यादा अगर दर्द हो रही है, वो भी खतरनाक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो इस दर्द में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं और सही ट्रीटमेंट वो करके आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घर में हम इन दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले सिर के दर्द में बात करेंगे। सिर का दर्द कम करने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए अच्छी वाली नींद। कोशिश करें कि आप सही ढंग से सो पाए, सही समय से सो पाए। नींद नहीं भी आती है तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे तो आपके सर की मांसपेशियां विचलित रहेगी और वो दर्द करवाती है। नंबर दो, आपको पैरों में अगर दर्द रहता है या पैरों में सूजन की प्रॉब्लम है तो आप रोज़ रात को गर्म पानी, नमक वाले गर्म पानी में अपना पाँव रखिए 10 मिनट और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो मालिश कर सकती हैं, आपके घर में कोई हो जो मालिश कर दे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मालिश करने से जो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द से काफ़ी निजात मिलती है। अगर आप मालिश नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए रात को गर्म पानी में पैर रख के रिलैक्स करने की। नंबर तीन, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट का दर्द नॉर्मल है, थोड़ा बहुत होता है, और ज़्यादा हो तो आपको डॉक्टर के पास इंस्टेंट जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे होने वाले लगभग सारे दर्द के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे उस पे और अच्छा से वीडियो बना पाऊँ। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर लेना, तभी आपको हमारे सारे वीडियो की अपडेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube सारे वीडियो की अपडेट नहीं भेजता आपको। और टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।